सिवान के गोरियाकोठी के बालापुर से एगो बहुत बड़ा बिग ब्रेकिंग आ रहा बा, जहां सिवान के गोरियाकोठी के बालापुर में संदिग्ध अवस्था में लगभग आधा दर्जन लोग के मौत हो गई बा। बहुत बड़ा खबर भोजपुरी बात कही देखा रहल बा रुआ के लाइव। हालांकि प्रशासन रात से ही बेचैन बा, लगातार स्थानीय सदर अस्पताल में, जिला मुख्यालय के सदर अस्पताल में प्रशासन, जिला के एसपी डीएम समेत तमाम आला ऑफिसर लगातार कैंप कर रहल बानी लो। ओजा लगातार छापेमारी भी हो रहल बा, लगभग 12 आदमी के गिरफ्तारी हो गई बा। रउरा के देखा रहल बनी ओजा के स्थानीय लोग पहले देखी का कह रहल बा। तो ये पीने वाला बताएगा कहाँ से लेकर पिए? जो जानकारी मिली है, हाँ जो जानकारी हम लोग मिली है, हम देखे हैं जी, मौत हो रहा है दारू पीकर सब सड़े देखने के लिए जी। कितने लोगों की मौत हो गई है? दो आदमी का, दो आदमी का। और कितने लोगों की तबीयत खराब है? 6-7 आदमी का, 6-7 लोग। हाँ अभी आ रहे हैं लोग, कुछ नबीगंज है, कुछ हम बसपुर है। और बिकने तो फिर है कहाँ से? वो तो बताएगा पीने वाला है, मतलब बचाएगा सरकार, कहाँ से मिल रहा है जो। नमस्कार प्रणाम, हम है राहुल भाई, राहुल दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबो। रउआ देख रहल बनी भोजपुरी बत कही अपना भाषा के। अभी अभी के बहुत बड़ा खबर, अभी अभी के बहुत बड़ा खबर आ रहल बा, जहां सिवान जिला के तेज तर्रार जिला अधिकारी अमित कुमार पांडे जी के द्वारा एगो बड़ा प्रेस विज्ञप्ति जारी कल गई है, जेमे संदिग्ध अवस्था में 10 आदमी के स्वास्थ्य बिगड़े के बाद कहल जाता। हालांकि भोजपुरी बात कही ये नहीं कहत कि जहरीली शराब से कोनो मौत भइल बा। जिला अधिकारी महोदय के द्वारा जौन प्रेस विज्ञप्ति जारी भइल बा, उसमें कहल बा कि 22 जनवरी 2023 के समय लगभग 7 बजे अपराहन में गोरियाकोठी प्रखंड के बालापुर बाला ग्राम में कुछ लोग के अचानक स्वास्थ्य बिगड़ गई है आ एक आदमी के मौत रास्ता में लियावत में हो गई है। अब प्रशासन उजा लगातार कैंप कैले बा, लगातार जांच में लागल बा। दू आदमी के मौत के सूचना सिवान से पीएमसीएच पटना जाए के रास्ता में होके के भी जानकारी में दिहल गई बा। हर तरह के व्यवस्था की पोस्टमार्टम जिला प्रशासन के द्वारा अपील कैल गई बा, सामने आई कि आखिर मौत कहां भइल बा। रउरा के बता दी कि तो गोरियाकोठी के बाला केंद्र में अनुमंडल प्रशासन पूर्ण रूप से कैंप कोई प्रेस विज्ञप्ति में यह लिखा गया कि इस घटना में अभी तक पुलिस द्वारा 12 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन पूर्ण रूप से इस मामले को लेकर तत्पर है, प्रशासन लगातार कैंप कर रहल बिया। तो बहुत बड़ा खबर भोजपुरी बत कही पर सबसे पहले रुआ के देखा रहल बानी। तक सब्सक्राइब नहीं कर ले तो सब्सक्राइब कर, यहाँ लाइव देखल जा, पटना रेफर कर दिया गया बा। लगातार राते से पुलिस कैंप कैले बिया, जिला अधिकारी महोदय भी सिवान सदर अस्पताल में पहुंचल बनी, लगातार प्रशासन मुस्तैद दिखाई देतिया। हालांकि पत्रकार लोग समेत तमाम जनता के ओजा जाए से मना ही कल गई बा, जौन सूचना मिल रहल बा। तो बहुत बड़ा खबर भोजपुरी बत कही पर। ज्वेलर्स नई बाजार मैरवा, डॉक्टर साकिब अब सिवान में हर दूसरे और चौथे जुमेरा। नमस्कार। विज्ञान एवं केंद्रीय विद्यालय चनौर और भी तमाम विशेषता के साथ नामांकन प्रारंभ होगा। बिलासगिरी विज्ञान केंद्रीय विद्यालय के संस्थापक शिव त्रिशक्ति होलिस्टिक सेंटर विशेज यू मैरी क्रिसमस। अगर किसी भी प्रकार का हीलिंग एनर्जी चाहिए, किसी भी असाध्य रोग से आप ग्रसित हैं, इफ यू टोटली बिलीव योर सेल्फ,
कैन यू चेंज योर माइंड एंड योर सेल्फ। आपको मैं बता दूं कि शिव शक्ति होलिस्टिक एनर्जी के थ्रू आप हर तरह के असाध्य रोगों को समाप्त कर सकते हैं। शिव शक्ति त्रिशक्ति होलिस्टिक सेंटर से आप हर प्रकार की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आप अपना अनुदान दे सकते हैं। जागृत पारद शिवलिंग का दर्शन कर पुण्य का भागी बन सकते हैं, अपनी जिंदगी का सारा पाप समाप्त कर सकते हैं। तो शिव शक्ति त्रिशक्ति होलिस्टिक सेंटर में संपर्क करें। उन गरीब बच्चों का सहायता करें जिनको दो वक्त का भोजन नहीं है। उन यतीम लोगों का सहायता कर सकते हैं जिनको दो वक्त की रोटी नहीं है, जिनके बदन पे कपड़े नहीं हैं। तो अभी संपर्क करें त्रिशक्ति होलिस्टिक एनर्जी हीलिंग सेंटर, यशोदा नगर कानपुर। थैंक यू। सेंटर से आप हर प्रकार की सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आप अपना अनुदान दे सकते हैं। जागृत पारद शिवलिंग का दर्शन कर पुण्य का भागी बन सकते हैं, अपनी जिंदगी का सारा पाप समाप्त कर सकते हैं। तो शिव शक्ति त्रिशक्ति होलिस्टिक सेंटर